देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है कि आपकी स्मूथ सरफेस के ऊपर दो बॉल्स रखी हुई हैं इस तरह की, ठीक है, सिमिट इस तरह की प्लेस दें, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और बोल रहा है कि तीसरी बॉल इस तरह की बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल है, और तीसरी बॉल आके उनको सिमेट्रिकली स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, सिमेट्रिकली स्ट्राइक करा है तीसरी बॉल ने आके उन दोनों बॉल्स को, तो इस तरह से आ रही थी तीसरी बॉल, और बोल रहा है कि ये जो आपकी तीनों के मास एम है, और ये बॉल जो आके सिमेट्रिकली स्ट्राइक करी है, आफ्टर स्ट्राइक ये रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाती है, दिस बॉल कम्स एट रेस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है, तो आपको इनकी कोलिजन का, इन दोनों मटेरियल के बीच, या इन दोनों मटेरियल सेम है तो आपको स्मॉल ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इन दोनों मटेरियल की कोलिजन का, या इस कोलिजन का आपको कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, बहुत सारी लिमिट चीजें हैं, नहीं हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, देखो ये बॉल आइडेंटिकल है दोनों, तो दोनों अलग वेलोसिटी से जाएं ऐसा नहीं हो सकता, और किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि इनिशियल रेस पर थी बेटा, ये दोनों इनिशियल रेस पर थी, ये आने के कोलाइड करिए, मान लो वी नॉट स्पीड से कोलाइड करती है, बट डी आपको कुछ भी नहीं है, कोई पैरामीटर गिवन नहीं है, ना स्मॉल एम है ना वी नॉट है, कुछ नहीं है, ठीक है, आपको केवल ई की वैल्यू बतानी है, और वो आ जाएगी फ्रैक्शन में आ जाएगी, नंबर की टर्म में आ जाएगी। तो आपने जब ये बॉल आके यहाँ पे कोलाइड करी है, तो बॉल ने इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगाया है इस पे, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर ही जनरेट होगी, और इस वाले की भी वेलोसिटी जो होगी इस डायरेक्शन में ही जनरेट होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, वी टू है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी जनरेट हुई, वी टू मान लेते हैं, दोनों के अलग होने का कोई रीजन नहीं है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है कि एंगल कितना है, तो एंगल निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, ये भी 2R है, ये भी 2R है, आइडेंटिकल बॉल है कि नहीं, तो इस पूरी लेंथ 2R ही तो है, ये भी 2R है आपका, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ठीक है, तो कितना एंगल हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक 20 से जाएगा ये, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, 60 का हाफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना बेटा, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये रेस पर आ ही गया, तो दिक्कत ही नहीं, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन में, तो वी टू आ जाएगा, वी टू आ जाएगा, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये ऐसे निकालने की सेम आएगी, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ई का फार्मूला लगा दी, ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाती, ठीक है, क्योंकि इसने आके धक्का ऐसे मारा है, तो ये दूरी हटेगी, तो इन दोनों के बीच जो रेस पर है, इनके बीच फोर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ठीक है, इन दोनों के बीच फोर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, टोटल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए पूरे सिस्टम पर, स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे था ये, तो एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स का कोई चांस नहीं है, इनिशियल मोमेंटम आपको क्लियर है, केवल यही था एम वी नॉट, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोल दो आप चाहे से, एक्स एक्सिस है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आपका पहला लॉ है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एम वी नॉट इक्वल टू, दोनों के मोमेंटम इधर एम वी टू है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, दोनों के इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम एम वी टू है, 30 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस से, तो इधर कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, 2 mv2 cos 30 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अक्षर, 2 mv2 cos 30, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √3 × v2 आ जाएगी, तो बिफोर द कोलिजन जो इसकी स्पीड थी एम मास की है, जो आके स्ट्राइक करा था, उसकी वेलोसिटी आ गई, क्या पूछा है आपसे, ई पूछा है, तो ठीक है, आप वी नॉट कुछ कट जाता होगा, वी टू इन टर्म्स ऑफ ई नॉट आ जाता है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह सकते हैं, दूसरे वाले की भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला या लॉ नंबर 3 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, अप्लाइंग लॉ नंबर 3 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपने ई का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, ई इक्वल टू होता है वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ये आपका स्मॉल ई होता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ठीक है, तो आपका वी नॉट इस डायरेक्शन में था, इस लाइन के अलॉन्ग था वी नॉट,
उसका ये कंपोनेंट किधर कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वी नॉट था तो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ कंपोनेंट कितना आ रहा है, वी नॉट कॉस 30 आ रहा है क्या बेटा बताइए, वी नॉट कॉस 30 आ रहा है क्या इधर, तो वो आपका वी टू हो जाएगा, वी नॉट नहीं वी टू तो वी टू है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इस वी नॉट का वी नॉट कॉस 30 आ रहा है, इसका तो अलोंग द लाइन इफेक्ट वी टू है, माइनस बी वन जीरो हो गया, पहला पार्टिकल है या सेकेंड पार्टिकल है, ध्यान से अप्लाई कीजिए, अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ई का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका तो आपने इधर ही माना है वी टू, तो ये तो वी टू ही रह गया, वी वन ये रुक गया है तो ये जीरो आ गया, ठीक है, यू वन इसी तरफ था, वी नॉट कॉस 30 था, तो इसको लिख दीजिए वी नॉट कॉस 30 डिग्री माइनस यू टू, अब ये रेस्पर था इनिशियली तो यू टू कुछ नहीं था तो ये जीरो हो जाए, ठीक है, अब वी टू की वैल्यू आपका इक्वेशन नंबर वन आ गई, एक ही लाइन में हो गया बेटा टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन से और ई का फार्मूला लगाने से जो पूछा है तुरंत आ जाएगा, अब वी टू आपकी जगह आप वी नॉट बाई √3 रख दीजिए आप, और ये आपका कितना आ जाएगा वी नॉट √3/2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 2/3 आपका आंसर आ गया, ये आपके पास जो उसने पूछा था कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल्स, तो वो कितना आ गया आपका 2/3 आ गया, यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा।